नमस्कार, मैं हूं बालवीर और आप देख रहे हैं बालवीर 3। बालवीर की जर्नी को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब टू सोनी सब एंड हिट द बेल आइकन। भी क्या है इस सभा में हम और सशमाग्र जो पहले बालवीर रह चुका है, सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि भी क्या है। भी बालवीर का ऊर्जा स्रोत है। जो भी बालवीर बनता है उसे उसकी शक्तियों और जादू के लिए ऊर्जा इसी भी से मिलती है। बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस बी को आकाश गंगा के सबसे चमकते तारे वीर तारे पर ले जाकर कहीं छुपा दिया था, क्योंकि बी को नष्ट करते ही बालवीर तो खत्म हो ही जाता, उसके साथ साथ बालवीर की परंपरा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती, फिर कोई कभी बालवीर नहीं बन पाता। इसलिए दुश्मनों से बी को, बालवीर को और बालवीर की परंपरा को बचाए रखने के लिए उसे इतनी दूर ले जाकर छुपाया गया था। हमारा दुर्भाग्य तो देखो, आज हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां पे बी को नष्ट करने का काम किसी दुश्मन को नहीं, खुद हमें और साशवान वासियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि अब बालवीर ही हमारा दुश्मन बन चुका है। अगर महामहिम, अगर बालवीर ही नहीं होगा तो दुनिया की रक्षा करेगा कौन? हम फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। और हम इस ब्रह्मांड को एक नया महायोद्धा देंगे, एक नया सुपर हीरो देंगे। हम सब आपके इस निर्णय से सहमत हैं महामहिम। हाँ महामहिम, सही निर्णय है। तो हमारा यह आदेश है कि बी को नष्ट करने के लिए वीर तारे पर जाने की तैयारी शुरू की जाए। कुछ भी मत बोलो, मेरे पेरेंट्स मेरी ही तरह हैं, नॉर्मल पीपल। पर ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे ये बात छुपाई हो। अग्नि, अब मेरे पेरेंट्स के बारे में एक बात और मत कहना। काशवी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा दो सिर्फ एक बार, तो मैं साबित कर दूंगी कि मैं सच बोल रही हूँ। कम ऑन अग्नि, तो तुम मुझसे बोल रही हो कि तुम सच बोल रही हो और मेरे पेरेंट्स आज तक हमें झूठ बोलते आए हैं? रिलैक्स काशवी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो तुमसे ये बात छुपा रहे हो। Shut up, अग्नि। काशवी, मैं सच कह रही हूँ। अग्नि, तुमने मेरे पेरेंट्स को झूठा कहा? You are such a liar, you are such a cheat. ये क्या हुआ इसे? ये पागलपन, ये गुस्सा, क्या ये महाजादू का असर है? ये क्या किया मैंने? बादलों से ऐसी आवाज हम बचपन में निकालते थे ना, ये तो हमारा सीक्रेट कोड है। हाँ याद है ना, बादलों की ये आवाज सुन बालवीर दौड़ा चलाता था। देखना, आज भी आएगा और बादलों की ये आवाज तो सैकड़ों मीलों तक जाएगी और किसी को भनक भी नहीं लगेगी, बस बालवीर की आवाज सुन ले। तो
चलो बालवीर। नहीं बेना, ये गलत संदेश है, दिला कुरवामी ने मुझे भेजा है। वो सब बाद में देख लेना, फिलहाल हमें ये काम करना है। नहीं बेना, ये हमारा इमरजेंसी कोड है जो दिल्ला कुरवामी और मैंने बचपन में बनाया था। जब भी वो लोग मुसीबत में होते हैं तो बादल की गरज से मुझे इमरजेंसी मैसेज भेजते हैं और इसीलिए मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन बालवीर मेरी बात को समझो। बालवीर का जवाब आ गया। मतलब बालवीर हमारी आवाज सुन रहे हैं। दिल्ला जल्दी से दूसरा मैसेज भेजो। हाँ। बालवीर हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। चलो। नहीं बेना, मुझे बस एक बार उनका जवाब सुन लेने दो, पता चल जाए कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। बालवीर का निशान, बी का निशान तो तुम्हारे सारी सुपर पावर्स का स्रोत है ना, जिसे वी तारा में छिपाकर रखा गया है। ये निशान दिखाकर वो लोग क्या कहना चाह रहे? अभी पता चल जाएगा। आमिर अब तुम्हारी बारी। उम्मीद यही है कि बालवीर यहाँ आने की सोच भी ना रहा हो, लेकिन अगर सोच भी रहा होगा ना तो हमारा ये सीक्रेट कोड पढ़ के नहीं आएगा। यानी तुम्हारे बी का निशान तुम्हारे सारे शक्तियों का स्रोत उत्तान मिटाने वाले हैं। और बी नष्ट होते ही बालवीर की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी और मेरा अस्तित्व भी। तो महामहिम मुत्तान ने ये रास्ता चुना है मुझे रोकने के लिए। बालवीर, उत्तान तुम्हें सजा देने के लिए बालवीर की परंपरा को खत्म करने जा रहे हैं। बालवीर तुम्हें उन्हें रोकना होगा, तुम्हें वीर तारा इसी वक्त जाना होगा। नहीं बेना, हम वीर तारा बाद में जाएंगे, पहले माँ के कातिल का पता लगाएंगे। बालवीर अगर तुम खुद जिंदा नहीं बचे तो माँ के कातिल को ढूंढ कर क्या करोगे? लेकिन बिना माँ के साथ क्या हुआ था यह पता लगाना भी तो जरूरी है। बालवीर तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी स्मृति महल और पता लगा लूंगी कि माँ आदिशी के साथ क्या हुआ था। तुम बस वीर तारा जाओ और बी को नष्ट होने से बचाओ। मैं आपको अकेले इस खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता। और वो देखिए, महामहिम उत्तान का अंतरिक्ष अभी भी यहीं पर है, यानी मेरे पास समय है। समय नहीं है हमारे पास बालवीर, उनके पास अंतरिक्ष यान है, लेकिन तुम्हें वीर तारा तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा और वो रास्ता बहुत ही कठिन है। ना ये अंतरिक्ष यान तैयार हो रहा है ना, ना याद आ रहा है कि क्या है जो छूट गया है हमसे। शशमाग इतने ज्यादा क्यों उतावले हो रहे हो? बस कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद बालवीर का हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। अपने दिमाग से बालवीर की सारी याद मिटा दो। याद, याद ही तो है वो बात, याद ही तो है जो छूट रही थी। याद? किसकी याद? आदिशि की याद, उनकी स्मृति। उनकी लाश बालवीर के पास है, अगर बालवीर को उनका स्मृति बीज मिल गया तो। स्मृति बीज? वो क्या है? अगर बालवीर को स्मृति बीज मिल गया तो आदिशि की यादों को देखकर सब कुछ पता चल जाएगा उसे। शशमाल फिर तो तुम्हारा वो भयानक सपना साकार हो जाएगा। स्मृति बीज को देखने से पहले बालवीर को स्मृति महल आना पड़ेगा। उसके यहाँ आने से
पहले ही स्मृति महल को ही तोड़ डालूंगा। अगर उससे पहले बालवीर स्मृति महल पहुंच गया तो जरूर किसी ने स्मृति महल को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। कहीं माँ आदिशी के कातिल ने तो ये नहीं किया ताकि बालवीर उस तक पहुंच ना सके, इससे पहले कि ये स्मृति महल नष्ट हो जाए। मुझे माँ आदिशी की यादों को देखना होगा, वरना बालवीर कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी माँ का हत्यारा कौन था। ये स्मृतियां इतनी धूमिल क्यों हैं? कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। लगता है किसी ने यहाँ के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की हुई। यानी ब्लैक बॉक्स के रिजल्ट से पता चल गया था कि बालवीर निर्दोष है, और इसीलिए किसी ने ब्लैक बॉक्स के रिजल्ट्स को बदल दिया था। और ये बात माँ आदिशी को पता चल गई थी। क्या यही राज उनकी हत्या का कारण बना? कौन है ये? रहे शाश्वान। शाश्वान रहे। ये सोए नहीं है, इन्हें सुलाया गया है। इन्हें किसी ने बेहोश किया। जिसने भी इन्हें बेहोश किया है वो स्मृति महल। कहीं यही तो वो कातिल नहीं? लेकिन ये छवि इतनी धुंधली क्यों नजर आ रही है? इसे साफ करना होगा। ये स्मृतियां तो साफ साफ दिखी नहीं पा रही है। जिसने भी स्मृति महल के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है उसे हमारे यहाँ आने का आभास पहले से ही हो गया था। ये साफ नजर क्यों नहीं आ रहा? अभी पता चल जाएगा कि बालवीर और महादेश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश शाश्वान लोक में कौन रच रहा था। लगता है ये वही औरत है जिसने कुर्जा को कैद किया था और बालवीर को शाश्वान से बचा के ले गई थी। इसे रोकना होगा, पर मैं इसके सामने नहीं जा सकता वरना ये मुझे पहचान लेगी। ये तो माँ आदिशी का स्मृति बीज है। कुछ करना पड़ेगा वरना सब पता चल जाएगा। वही अपराधी है। ये मेरा चेहरा नहीं देख सकते। बच कर निकल गया। इससे पहले कि मैं यहाँ पकड़ी जाऊं मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा। बालवीर को मेरी जरूरत है। चलो।
हो दिलाक? कुछ गिर गया क्या? हाँ हाँ, मेरा कुछ बहुत जरूरी हो गया। बालवीर, आ जाओ। आ जाओ। पता नहीं, मिल ही नहीं रहा। बालवीर, आ जाओ, आ जाओ। दिलाक। दिलाक। क्या हुआ? अरे वो मेरा एक अस्त्र गिर गया है शशमान। तुम चलो ना, मैं आता हूँ। जो भी हो गया छोड़ो उसको, चलो अभी। सैर सपाटे के लिए नहीं आए ना, सारी रात नहीं आए बिताने के लिए। चलो 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 चलो, तुम भी आओ। ये दरवाजा ऐसे तो नहीं खुलेगा मुझसे। अब बी तक पहुंचने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, वो भी जल्द से जल्द, वरना बी के साथ साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा। काश्मी दीदी। अरे काश्मी, बहुत सही टाइम पे आई है बेटा, आजा खाना खा ले। तेरे फेवरेट दाल चावल और कढ़ाई पनीर बनाया है। आंटी, वीर कहाँ? अरे बताया तो था, वीर कुछ दिन के लिए बाहर गया है। भूल गई क्या? ओ हाँ, मैं भूल गई थी। ठीक है, मैं बाद में आती। रुक, तू ये भी भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि हमारे साथ खाना खाने के लिए आना। आ जा, बैठ, मैं तेरी प्लेट लेके आती हूँ। क्या बात है काश्वी बेटा, तुम इतनी खोई खोई से क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लो पानी पियो। गार्गी बता रही थी कि तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। अब बात हुई उनसे? अब बात नहीं हुई तो क्या हुआ, हो जाएगी। अब होंगी किसी ऐसी जगह पे ना पापा जी, जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। और क्या, आजकल कितनी जगहों पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। इस कमरे से उस कमरे में जाओ तो ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाती। काश्वी बेटा, तुझसे बात किए बिना तेरे पापा मम्मी को भी तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। देखना, उनका जल्द से जल्द तुझे फोन आएगा। टेंशन मत ले, खाना खा। काश्वी, अब एक ही रास्ता बचा है बेला। क्या? हमें इस जमीन को खोद कर सुरंग बनानी पड़ेगी। लेकिन ये तुम कैसे करोगे बालवीर? वो लोग अंदर जा चुके हैं और उनका रास्ता बहुत आसान है। इतने कम समय में तुम सुरंग कैसे बना लोगे? बस कुछ और सिक्योरिटी चेक्स और हम उस लिफ्ट तक पहुंच जाएंगे जो हमें बी तक लेके जाएगी। टेंशन मत ले, खाना खा। जा! ये मैंने क्या किया? मैं ये क्यों नहीं पा रही? मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं निकलती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरा हाथ छोड़िए। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये मैं कैसे बात कर रही हूँ आंटी से? आंटी को मैं कैसे समझाऊं? मैं उन्हें वैसे हर्ट नहीं करना चाहती जैसे मैंने अग्नि को किया था।
मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। मैं जानती हूँ बेटा, तो अपने पापा मम्मी की वजह से बहुत परेशान है ना, और कई बार ना परेशानी गुस्सा बन के निकल जाती है। कार्की बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तू टेंशन मत ले। हम तो तेरे अपने हैं, और अपनों के सामने अपने किसी भी इमोशन को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, इसलिए जो मन में हो वो कह दे, जो करने का मन कर रहा हो वो कर ले। जो करने का मन कर रहा है कर दूं। बस अब गुस्सा निकल गया हो तो आंसू भी निकाल ले बेटा, मत रोक अपने आंसू, हम तो तेरा परिवार है, बह जाने दे इन्हें, तेरा मन हल्का हो जाएगा। सोच रही है? पता नहीं आंटी, मुझे क्या हो रहा है। अरे तो इतनी नेगेटिव क्यों हो रही है? हाँ तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी सब ठीक कर देंगी बेटा, तेरे पापा मम्मी जहां भी होंगे ठीक होंगे। आवाज और ये कंपन कैसी? कहीं बालवीर या वीर तारा पे तो नहीं पहुंच गया है? बालवीर अगर यहां पहुंच भी जाए तब भी बीबी तक पहुंचना नामुमकिन है। चलो। शाबाश बालवीर, शाबाश। तुम्हारे जगह कोई भी और होता तो अपनी सारी शक्तियों के बावजूद इस चुनौती के आगे अपने घुटने टेक देता। तुम्हारा यही साहस तुम्हें बालवीर पद का सही हकदार बनाता है। शाबाश बालवीर। इस पहाड़ ने वीर तारा की जमीन पर बहुत गहरी सुरंग खोद दी है। यहां से बी तक का रास्ता बहुत छोटा है, लेकिन ध्यान रहे रास्ता जितना छोटा है उतना ही कठिन और खतरनाक भी है। Yeah.
बेना, यहाँ पर तो मेरे सामने एक दरवाजा है, क्या इसी के उस पार मुझे भी मिलेगा? नहीं बालवीर, ये सिर्फ पहला ही पड़ाव पार किया है तुमने। हर मोड़ पर एक नया खतरा राह देख रहा है तुम्हारी। इस दरवाजे के पीछे भी एक नई चुनौती खड़ी है तुम्हारे लिए, संभाल कर। बेनाम, इस दरवाजे के अंदर मुझे कोई खतरा तो नहीं दिख रहा, बस उस पर एक दरवाजा दिख रहा है। जो नजर ना आए वो ज्यादा खतरनाक होता है बालवीर, संभल कर। हाँ बेना। रुक जाओ बालवीर, वो जमीन नहीं लावा है, आग का दरिया। इतनी गर्मी है कि पत्थर भी पिघल जाए, मुझे इस रास्ते को उड़कर पार करना होगा। नहीं बालवीर नहीं, ये लावा 1000 डिग्री से भी ज्यादा है, इसकी ज्वाला से उठा धुआं भी तुम्हें राख कर देगा। तो क्या करूं मैं, कैसे पार करूं इस आग के दरिये को? ये मैं नहीं जानती बालवीर, इसका रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। बालवीर अपने आसपास देखो, मुश्किल जहां होती है मुश्किल का रास्ता भी वही होता है। बालवीर जो भी करना है जल्द से जल्द करो, वक्त बहुत कम है अपने पास। उत्तान किसी भी वक्त बी को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हो बालवीर? मैं अपने आसपास बर्फ का गोला बना रहा हूं। सही सोचा है बालवीर, बिल्कुल सही। आग बर्फ को पिघला सकती है, जला नहीं सकती। शाबाश। और बर्फ के गोले के पिघलने तक मैं इस आग के दरिये को पार कर लूंगा। शाबाश बालवीर, शाबाश। मैं जानती थी कि तुम ये कर लोगे। अब अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हूं मैं। शीला राक्षस है, शीला राक्षस को मैं एक पल में ध्वस्त कर दूंगा। बालवीर रुको, इसे छुआ तो
तो क्या इनाम? बिना मुझे कुछ बताना चाहती थी, कह रही थी कि मैंने इसे छुआ तो मुझे कुछ हो जाएगा। कुछ भी हो जाए मुझे इस राक्षस पर दूर से ही वार करना होगा। तो इसलिए इस राक्षस का नाम शीला राक्षस, क्योंकि जो भी इसे छूता है वो पत्थर का बन जाता है। शीला यानी पत्थर का बना हुआ राक्षस। मैं इसे छू नहीं सकता। अगर मुझे इस दरवाजे को पार करके बी तक पहुंचना है तो मुझे इस राक्षस को अपने रास्ते से हटाना होगा। दोनों बार जरा भी नहीं चली, ऐसे पता लगाना होगा। मेरा हाथ जलेगा अगर सच में जल गया तो? पर काश्वी सच जानने के लिए ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्या कर रही हो काश्वी? अग्नि सॉरी, फिर से तुम्हें बिना बताए अंदर चली आई। इट्स ओके। वैसे तुम क्या कर रही थी? ये जानने की कोशिश कि आग तुम्हें जलाती है या नहीं। हाँ मैं जानना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं सच में जल गई तो? मेरे पास एक और आइडिया है, अभी बताती हूँ। क्या करने वाली हैं आप? अग्नि नहीं, अग्नि, अग्नि में जल जाऊंगी। अग्नि, अग्नि क्या कर रही हो तुम? अग्नि हूँ। आग लगा रही हूं। आग में नहा रही थी तो फिर भी देखो ना कोई निशान ना कोई खरोंच, आग तुम्हें छू भी नहीं पाई। अब समझ में आया? मैं जली नहीं, आग मुझे जला क्यों नहीं पाई? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे अंदर जादू है। ये उसी जादू शक्ति का कमाल है। अब यकीन आया कि मैं सच कह रही थी? हाँ अब मुझे तुम पर यकीन हो गया, जो तुमने मम्मी पापा के बारे में कहा वो क्या क्या वो अब? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स हैं, तुम खुद पता करो कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। जानना है ना?
आई एम सॉरी, लेकिन आज मैं पत्थर बनने के मूड में नहीं हूं। आखिर मैं महामहिम उत्तान से पहले बी तक पहुंच ही गया। शिला राक्षस, बालवीर यहां तक पहुंच गया। महामहिम भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहां गया भी? बी यहां है महामहिम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम की आज्ञा के बिना इस बी को हाथ लगाने की? तुम बी तक पहुंच तो गए हो बालवीर, लेकिन बी को यहां से लेकर जा नहीं पाओगे। तुम लिफ्ट शुरू ही नहीं कर सकते। लिफ्ट से कौन जाना चाहता है महामहिम? सुपर हीरो लिफ्ट में नहीं जाते। हमने कहा था तुमसे बालवीर कि तुम यहां से बच के जा नहीं पाओगे। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, पापा देखो आप फाइनली आए। पापा उठो ना। मम्मी, मम्मी उठो। मम्मी, प्लीज आके खोलो। आप पता ना, आप अपने बर्थडे पे मत मिलना मुझसे। हाँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस आप उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। पापा आगे खोलो। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? प्लीज आके खोलो, प्लीज 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 उठ जाओ, प्लीज प्लीज। अग्नि, तुम कुछ करो। अग्नि, तुम कोई मैजिक करो। अग्नि प्लीज इनको उठाओ ना, ये घुटने ना आगे नहीं खोल रहे। अग्नि, काश्वी, अगर मैं ये कर सकती तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं तो क्या, इस पूरी दुनिया में ये जादू कोई नहीं कर सकता।
मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता कोई काश्मीर। संभालो अपने आप को, शांत हो जाओ काश्वी, सब ठीक हो जाएगा। Come on, काश्वी, इतने सवाल पूछ लिए, अब पूछो असली सवाल। किसने किया है ये अग्नि? मेरे मम्मी पापा को किसने मारा है? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। किसने मारा मेरे मम्मी पापा को आपने? मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देती, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं कि वो जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन उनके कातिल को पकड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए। पर तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, तुम अपने आप को संभालो। तुम्हें अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार भी तो करना है। पता नहीं इतने वक्त तक शाश्वान लोक में किस हाल में अटके होंगे। तुम बस इन्हें मोक्ष दे दो, जाने दो इन्हें काश्वी। मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी बता दूं कि तुम्हारे माँ बाप को उस बालवीर ने मारा है, लेकिन कुछ बातें बताने वाली नहीं दिखाने वाली होती हैं, और सही वक्त आने पर आगी तुम्हें ऐसा दृश्य दिखाएगी कि तुम अपने अंदर के गुस्से को चाह कर भी रोक नहीं पाओगी। Smog. तारे की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर तुम भी तक तो पहुंच गए बालवीर, लेकिन भी यहां से लेकर जा नहीं पाओगे। मैं अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता महामहिम, और ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। अब अपने गुरु की बात मैं कैसे टाल सकता हूं? गुरु अगर तुम हमारे शिष्य होते तो हमारे आदेशों का उल्लंघन न कर रहे होते, अब तक भी हमें लौटा चुके होते। नहीं महामहिम, अभी और भी काम है जो अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करना मेरा कर्तव्य है। उससे पहले मैं आपको ये बी नष्ट करने नहीं दे सकता। ये फैसला शाश्वान वासियों का है, किसी बालवीर का नहीं। अश्माग भी हमारे पास लेकर आओ। बालवीर तुम अब नहीं बच सकते। रिलीव, क्या महामहिम मुझे मारना चाहते हैं? Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.